आज मैं आई हूँ ऐसे ही थोड़ा सा पूना घूमने के लिए, और यहाँ मैं आई हूँ एक स्पॉट है नदी के पास का। तो कल से लॉकडाउन लगने वाला है 10 डेज के लिए, तो मुझे आज थोड़ा सा घूम कर आना था, तो मैं आज ऐसे ही रैंडम पुणे में घूम रही हूँ। अब यहाँ से मैं निकलूँगी एफ सी रोड के लिए, तो चलिए आपको मैं ले चलती हूँ अब एफ सी रोड। तो गाइज अब हम यहाँ निकल चुके हैं, हम यहाँ आए थे नदी किनारे, तो यहाँ से हम अब निकल रहे हैं डेक्कन की ओर। डेक्कन की ओर से हम जाएंगे एफसी रोड। काफ़ी सुहाना मौसम है, काफ़ी शांति लग रही है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तो यहाँ से हम ले लेंगे अभी राइट। यहाँ काफ़ी काम शुरू है, अभी मेट्रो के काम शुरू है पुणे में। ये देखिए ब्रिज को कलर किया गया है अभी लॉकडाउन के दौरान। अभी शाम के बज चुके हैं करीबन 4:30-5 बज चुके हैं। कल से लॉकडाउन हो रहा है पुणे में, तो काफ़ी लोग चिल मारने आए हैं, अपने घरों से निकले हैं बाहर। ये देखिए सब कोई यहाँ बैठे हैं। यहाँ बचपन में ये जब पंछी इस तरह से बैठा करते थे, हाँ बोलते थे सारे पंछियों की स्कूल भरी हुई है। ये देखिए स्कूल में बैठे हुए हैं, पता नहीं किसी का कॉलेज चल रहा होगा। तो यहाँ से हम ले लेंगे राइट और हम चले जाएंगे डेक्कन सर्कल की ओर, और डेक्कन से हम सीधे जाएंगे एफसी रोड। ये यहाँ जो है आप देख रहे हो ये चाट गली जैसा है, यहाँ सारे चाट अलग अलग डिशेस मिलती थी, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ये बंद है। कोरोना के वजह से काफ़ी लोगों का बिजनेस जो है ठप हो चुका है, ज़्यादातर जो फूड रिलेटेड जो भी रेस्टोरेंट होटल्स चाट जैसी ये जगह है, फिर भी यहाँ कुछ कुछ दुकानें खुली हुई है। सामने ये रहा KFC, सिटी प्राइड। तो हम आ गए डेक्कन के पास और चले जाएंगे हम एफसी रोड। ये रही यहाँ वाइन शॉप पे लंबी लाइन। हाँ जी, कल से लॉकडाउन है, लोग स्टॉक करने के लिए अपने घर में वाइन शॉप पे लंबी लाइन लगा के बैठे हुए हैं। ये लो सिग्नल भी सही टाइम पे खुल गया। तो ये रहा यहाँ से एफसी रोड, आ चुके हैं हम एफसी रोड। तो देखते हैं थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। काफ़ी दुकानें जो है वैसे तो बंद ही है, ये एक शॉप खुली हुई है। मुझे गॉगल्स लेने थे, ये कुर्तीज़ है यहाँ, हमें कुर्तीज़ तो नहीं चाहिए अभी। वाड़ेश्वर खुला है, बाहर का नहीं खाएंगे हम। तो चलिए मैं यहाँ गाड़ी पार्क कर देती हूँ और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग कर लेते हैं हम। नो पार्किंग। तो गाइज हम आप आ चुके हैं एफसी रोड के ऊपर। काफ़ी कम दुकानें खुली है, लेकिन जितनी कुछ खुली है वहाँ हम देखते हैं हमें क्या विंडो शॉपिंग करने मिलती है। जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद फर्स्ट टाइम हम यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं हम यहाँ ये खाने का। जो एफसी चाट हाउस है ये ओपन है, कॉटन विलेज ओपन है, तो हमें जस्ट विंडो शॉपिंग करना है, तो हम कॉटन विलेज और इस तरह की शॉप में हम नहीं जा रहे हैं। तो चलिए ये देखते हैं, मुझे गॉगल्स लेना है। हाँ यहाँ कुछ अच्छे अच्छे मास्क भी दिख रहे हैं, तो देखिए हम थोड़े से यहाँ मास्क लेते हैं, लेकिन ये बहुत चीप क्वालिटी के लग रहे हैं, इसलिए अब हम निकलते हैं। ये स्कार्फ देख लेते हैं हम, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
कॉटन टेक्सचर चाहिए, सॉफ्ट, हम थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर देख रहे हैं। ओके ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, काफ़ी अच्छे हैं सॉफ्ट देखने से ज़्यादा ही होता है। तो भैया ये कितने में लगाओगे? जो भी दिया है 130 का दिया, 100 में लगा, 100 में खरीद रहा है, 120 से नीचे नहीं है। कोई भी अगर लेंगे तो वही है, मुझे ये 100 में चाहिए था लेकिन ये बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है हम ले लेते हैं 120 में ले लेते हैं हम ये 120 में बेचता है। तो चलिए अब हम जाते हैं अगले शॉप पे, देखते हैं आगे हमें क्या मिल सकता है। मैंने टारगेट किया है कि हम 500 में कितनी चीज़ें ले सकते हैं, तो टारगेट है 500 रुपीज़ का। तो चलिए अब मोबाइल फ़ोन के लिए मैं अपने ले लूँगी एक कवर। ओह शिट, मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ है? यस, मोबाइल को जस्ट अगर आप कवर डाल दो ना तो फिर वो नया लगने लगता है। ये हम ले लेते हैं मोबाइल कवर, ये हम ले लेंगे। ये कितने में पड़ेगा भैया? 150। कितने में दोगे? फाइनल 150। और मुझे इसका ये भी चेंज करवाना है, आप कर सकते हो? तो ये कितने तक लगाओ? 150। बिल्कुल कम नहीं करोगे? ये पता है अगर हम हांगकांग लेन जाते हैं तो ये मुझे 100 में मिल जाता है, तो ये 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो मैं ये नहीं लूँगी। तो कुछ इयर रिंग्स है यहाँ, छोटी वाली इयर रिंग्स चाहिए, ये ट्राइंगल में जो है सिल्वर। तो 30 रुपीज़ के हम ले रहे हैं इयर रिंग्स, बहुत ही अच्छे प्राइस में हमें अच्छे से इयर रिंग मिल रही है। ये बहुत छोटी सी इयर रिंग मैंने ली है ट्राइंगल वाली, ये देखिए, तो ये 30 रुपीज़ में हमें मिली है। और कुछ हम लेंगे भैया? ये कितने में? मैं चल रही हूँ फुटपाथ छोड़ के नीचे से, क्योंकि फुटपाथ पे काफ़ी लोग हैं, तो मैं ये भीड़ अवॉइड करने के लिए रोड से चल रही हूँ। फुटपाथ रहता है हमें पैदल चलने के लिए, लेकिन कोरोना के वजह से जहाँ भीड़ है मैं वो अवॉइड कर रही हूँ। आगे कोई शॉप है वहाँ हम जाते हैं गॉगल्स देखने के लिए। तो मैं यहाँ अब एक ले रही हूँ हेयर बैंड, मुझे लेना है एक हेयर बैंड, मुझे यहाँ एक शॉप दिखाई दी है, तो चलिए अब हम यहाँ लेंगे हेयर बैंड। तो ये शॉप पे मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ काफ़ी अच्छे सारे हेयर बैंड है और हेयर बेल्ट्स है काफ़ी अच्छे कलरफुल, तो देखते हैं हम कुछ हमें पसंद आता है क्या। ऐसे वाला एक हेयर बेल्ट मुझे चाहिए था, हम ले लेंगे ये एक हेयर बेल्ट। और यहाँ जा रही है एम्बुलेंस, शायद कोरोना का ही पेशेंट हो सकता है, पता नहीं। तो हम ये भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। भैया ये कितने का है? 30 वाला। ये 30 का पैकेट। तो ये एक पैकेट दे दो मुझे, ये एक बेल्ट और ये पैकेट कितने का है? 20। ये एक दे दो। तो मैंने यहाँ ले लिया है हेयर बैंड और हेयर बेल्ट, ये हेयर बेल्ट मैंने ले लिया है इस तरह का, तो ये हो गया 30-20 और ये बेल्ट 20 का, तो 70 रुपीज़ में मैंने ले लिया है एक हेयर बेल्ट और दो हेयर बैंड। थैंक यू। तो अभी तक मुझे गॉगल्स का शॉप तो मिला नहीं है, गॉगल के नाम पे मैं एफसी रोड शॉपिंग करने आई थी और उसके बजाय मैं सारी दूसरी चीज़ें खरीद रही हूँ आज, लड़कियों का हमेशा है। तो गॉगल्स तो हमें नहीं मिले, जो कुछ हमें मिला था तो वो लेकर अब हम जा रहे हैं घर, बाकी की बात फिर हम करते हैं घर में, घर में जाके हम चाय की चुस्की लेते हुए करेंगे बात, बाकी की बात। तो चलिए निकलते हैं घर के।
आ गई हूँ डेयरी पे, अभी मैं ले लूँगी 1 लीटर दूध। कितना हो गया? तो हम बनाएंगे गरम गरम चाय।